टॉपिक है एग्जाम्पल बेस्ड ऑन इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्स एल, कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब एक्स सी। तो पहला न्यूमेरिकल है 100 हर्ट्स एसी, क्या आगे बने फ्रीक्वेंसी, एक 14 मिली हेनरी कॉइल में जा रहा है। 14 मिली हेनरी क्या है, एल है या एक्सएल है? कितने लोगों को कंफ्यूजन होती है एल और एक्सएल में? एक्सएल के यूनिट क्या होते हैं? ओम्स। और एल के यूनिट क्या है? हेनरी। कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती, हेनरी और ओम तो बहुत दूर दूर है, तो ये एल है। फाइंड रिएक्टेंस, अब एक्सएल की बात कर रहे हैं तो एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस ही पूछ रहा होगा। तो एल पता है हेनरी, फ्रीक्वेंसी पता है, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा 2.2 फ्रीक्वेंसी। एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, एल ओमेगा, ओमेगा इज 2.2 फ्रीक्वेंसी, आंसर ओम में आंसर आ गया। नेक्स्ट है प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर है मिली हेनरी, एल पता है, कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ, कुछ नहीं मेंशन, तो वो ई आरएमएस है, फ्रीक्वेंसी भी पता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल लो एक्स एल, एल ओमेगा, ओमेगा 2.2 फ्रीक्वेंसी, एक्स एल आ जाएगा। एंड आरएमएस करंट भी निकाल लो, अगर करंट आरएमएस निकालना है तो ई भी क्या यूज करनी पड़ेगी, आरएमएस। अगर ये ई नॉट होता तो ये आई नॉट हो जाता, ई एवरेज होता आई एवरेज हो जाता, ई आरएमएस है आई आरएमएस है। डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस में प्योर इंडक्टर है, देखो प्योर इंडक्टर दे रहा है तो आर का कोई रोल ही नहीं है, तो सिर्फ क्या आएगा एक्सएल। मान लो वो प्योर इंडक्टर ना देता और आर भी ना देता, फिर भी मैं तो प्योर ही लेता, आर गिवन नहीं है, अकेला क्या लिया जाएगा एक्सएल, एल ओमेगा आंसर। अगर आर तो फिर जेड, अगर प्योर इंडक्टर है फिर ना लेता, प्योर इंडक्टर में तो कैपिटल आर को लेना ही नहीं है, बात ही खत्म। प्योर इंडक्टर ना होता, आर भी गिवन होता तो जेड आता, ई आर में जेड, जेड इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, फिर ही आना था। आने वाला है नेक्स्ट असाइनमेंट भैया, ये प्योर इंडक्टर्स का काम है, अगली असाइनमेंट प्योर इंडक्टर की नहीं है, आर एल सर्किट की है, वो प्योर नहीं है, तो अभी ये प्योर के साथ ही काम कर रहा है। कॉयल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ, एल पता है, एट वॉट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उसकी रिएक्टेंस इतनी है, रिएक्टेंस क्या होता है एक्स एल, तो एक्स एल क्या होता है एल ओमेगा, तो ओमेगा क्या होता है 2.2 फ्रीक्वेंसी, एक्स एल पता है, एल पता है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर व्हिच हैज द सेम रिएक्टेंस एट दैट फ्रीक्वेंसी, कह रहे मुझे अब सी की वैल्यू भी बताओ ताकि कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर हो जाए। इंडक्टिव रिएक्टेंस कितनी है 3142, कह रहे एक्स सी की वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम है, तो एक्स सी पुट कर लो, एक्स सी क्या होता है 1/c ओमेगा, ओमेगा क्या है 2.2 फ्रीक्वेंसी, तो एक्स सी एक्स एल बराबर करके यहां से सी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है यहां तक, जैसे एसी सर्किट कंसिस्ट ओनली ऑफ इंडक्टर, तो आपको क्या गिवन है एल गिवन है। इफ करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी 0.25, ये आई नॉट गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। कैलकुलेट अफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होता है अफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वी आर एम एस, अफेक्टिव वी आर एम एस एक ही बात है, तो आपको ई आर एम एस निकालना है। देखो ई आर एम एस होता है आई आर एम एस, ई आर एम एस होता है आई आर एम एस डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ एक्सएल है, प्योर इंडक्टर है, एक्सएल है। अब आई आर एम एस मुझे पता है आई नॉट बाय रूट टू, आई नॉट बाय रूट टू, आई नॉट तो पता ही है मुझे, आई नॉट बाय रूट टू। एक्स एल का मतलब एल टाइम्स ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2.2 फ्रीक्वेंसी, आंसर डन। ठीक, समझ में आ रहा है कैसे करना है। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिंग ई एम एफ, ई की वैल्यू वो आपको दे रहा है, जब भी वो ई की वैल्यू दे सबसे पहले मन में ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी से, ओमेगा की वैल्यू 100 पाए, ई नॉट का मतलब 220, ये वैल्यू आ गई, ई नॉट आ गया। इज अप्लाइड टू अ सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस ऑफ, क्या गया मैंने आपको इंडक्टेंस एल पता है, राइट इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, ये क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है ओनली इंडक्टर, इंडक्टर में वोल्टेज आगे होती है करंट पीछे होता है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू,
करंट की इक्वेशन होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी, ईएमएफ वाला ईएमएफ की इक्वेशन में ओमेगा टी है 100 पाई टी, वही ओमेगा टी, पर करंट में आपने एंड में क्या लगा देना है माइनस पाई बाय टू। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो इंडक्टर में क्या कर देना है माइनस पाई बाय टू। अब मुझे क्या चाहिए, आई नॉट चाहिए। अगर आई नॉट निकालना है मुझे इस क्वेश्चन में कंपेयर करके, ई नॉट तो पता है, ई नॉट पता है तो मैं आई नॉट निकाल लूँगा ई नॉट बाय एक्सेल करके। आई नॉट आ गया, यहाँ वैल्यू पुट करके इक्वेशन आ गई आंसर। और अगला पार्ट इसमें ये भी गिवन है आई आर एम एस निकालो। जब तुम्हारे पास आई नॉट ही आ गया, आई नॉट को रूट टू से डिवाइड करके आए, आर एम एस की वैल्यू भी आ गई आंसर। मेन चीज़ तो ये थी माइनस पाई बाय टू वाली, इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस क्या आगे बने एल इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ पीक ईएमएफ, पीक ईएमएफ का मतलब ई नॉट एंड फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट पीक करंट। ई नॉट पता है, आई नॉट निकालना है, आई नॉट क्या होगा ई नॉट को एक्सएल से डिवाइड, क्योंकि रेजिस्टेंस में है ही एक्सएल और तो कुछ है ही नहीं, ई नॉट बाय एक्सएल, एक्सएल क्या होता है एल ओमेगा आंसर। लेकिन अगला पार्ट देखो, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स, सोर्स की वोल्टेज क्या होगी जब करंट उसकी पीक वैल्यू पे होगा। आंसर इसका जीरो है। ऐसा क्यों, करंट जब मैक्सिमम है तो ईएमएफ जीरो है। इसके एक्सप्लेन करने के कई तरीके मेरे पास। ओनली इंडक्टर में फेजर डायग्राम याद करो, ये था फेजर डायग्राम, ये थी ईएमएफ, और ओनली इंडक्टर कहाँ से स्टार्ट होता था, यहाँ से स्टार्ट होता था माइनस कॉस से, माइनस कॉस से स्टार्ट होता हुआ ऐसे जाता था। तो जब ईएमएफ जीरो थी तो करंट वहां पर क्या था मैक्सिमम, वो तो ये पूछ रहे, जब करंट मैक्स था तो ईएमएफ क्या उस टाइम पर जीरो, आपके सामने ही है, ठीक है ना, ये डायग्राम यहीं से स्टार्ट हुआ था तो आपका आंसर आ गया। या ऐसा कर सकते हो, ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है ई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन जो करंट होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, इंडक्टर में ही होता है, इसकी जगह आप पुट कर सकते हो कॉस पाई बाय कॉस ओमेगा टी, एक ही बात है, कॉस आ गया। करंट को अगर आपको मैक्सिमम करना है कॉस थीटा की वैल्यू वन, ऐसा कब होगा जब ओमेगा टी जीरो, ओमेगा टी जब जीरो होगा यहाँ पे तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगी जीरो, मैथमेटिकली भी हो सकता है, नहीं तो वर्बली भी हो सकता है, नहीं तो ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट ही है। इंडक्टर के अंदर जब ईएमएफ जीरो होती है तो करंट हमेशा मैक्सिमम ही होता है, सेम फेज में तो होते ही नहीं ना, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, मैथ वालों को तो वैसे ही पता है साइन और कॉस का फर्क है, एक साइन है और एक कॉस है, तो वो क्या उनको तो पता ही है कि एक मैक्स साइन थीटा जब मैक्स होगा तो कॉस थीटा मिनिमम ही तो होगा, तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, इतना तो मेडिकल वालों को भी पता है, नहीं पता कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वन, तो कब जब थीटा जीरो है तो साइन वहाँ पर जीरो हो जाता है। नेक्स्ट है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है एक कैपेसिटर, अब स्टार्ट हो गया कैपेसिटर, पहले था इंडक्टर अब कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है सी पता है, 220 वोल्ट का मतलब ई आर एम एस पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, फाइंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या निकालना है एक्स सी वन बाय सी ओमेगा एंड करंट इन दी सर्किट, करंट आई आर एम एस क्या है ई आर एम एस बाय एक्स सी, फिर क्या निकालना है अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें, अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें इंटू टू तो एक्स सी क्या हो जाएगा हाफ, एक्स सी जब हाफ होगा तो करंट क्या हो जाएगा डबल, आंसर। पूछ रहे करंट का क्या होगा जब फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे, डिनोमिनेटर डबल तो ये हाफ हो जाएगा, एक्स सी हाफ होगा तो करंट डबल, आंसर तो लिखा हुआ है इसमें, करंट डबल, ये रहा करंट डबल होगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रो फैरेड इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ, ये वैल्यू गिवन है, तो ये वैल्यू गिवन है, तो ये क्या गिवन है, ई नॉट, ये क्या है, ओमेगा टी से ओमेगा, इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, अब ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर में जो करंट है वो आगे होता है पाई बाय टू, तो इक्वेशन क्या बनेगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। आई नॉट क्या होता है, आई नॉट होता है ई नॉट बाय एक्स सी, आई नॉट इज ई नॉट है तो आई नॉट आएगा, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, एक्स सी क्या है, 1/c ओमेगा, सी ओमेगा ऊपर चला गया, तो आई नॉट की जगह सी ओमेगा ई नॉट, ये रहा, ये ऐसे आया। अब आपको इसमें ओमेगा पता है, सी पता है, ई नॉट पता है, यहाँ से आपके पास आई की वैल्यू आ गई, तो आई की वैल्यू आ गई। अब वो कह रहा है रीडिंग ऑफ एम मीटर क्या होगी, एम मीटर की रीडिंग हमेशा आरएमएस देती है, याद रखना, एम मीटर की रीडिंग एसी में हमेशा आरएमएस, बहुत पूछता है वो एम मीटर की रीडिंग बताओ, एम मीटर की रीडिंग आरएमएस देगी, आई आरएमएस इज आई नॉट इनटू आई नॉट बाय रूट टू, आंसर, क्योंकि एक बार आई नॉट आ गया या आई नॉट आ गया तो वहां से आरएमएस तो निकाल ही लोगे, आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 200 मिली हेनरी प्योर इंडक्टर, मिली हेनरी मतलब एल पता है, सी पता है, आर कनेक्टेड 1/1, पहले इंडक्टर को लगाया फिर कैपेसिटर को लगाया, किसके साथ लगाया, इस वोल्टेज के साथ लगाया, करंट क्या होगा ये बताओ, कुछ मेंशन नहीं किया तो आए आरएमएस, मेंशन नहीं किया तो आए आरएमएस। एक काम करते हैं, इसे कंपेयर करके ये जो कोफिशेंट है वो क्या होगा, वी नॉट होगा, तो ये वी नॉट आ गया, यहाँ से ओमेगा कितना आ गया, 1000 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इसमें वैल्यू निकालनी है किसकी, करंट क्या होगा। अच्छा, उसने वैसे चलो आई आरएमएस भी कर सकते थे, उसने इंस्टेंटेनियस करंट ही निकाल दिया, कोई बात नहीं, ऐसे सही, वैसे मेंशन नहीं करता, वैसे इंस्टेंटेनियस में मेंशन किया जाता है कि इंस्टेंटेनियस है। चलो एक्सप्रेशन फॉर करंट इन ईच केस निकाल देते हैं, आई नॉट क्या होगा, पहला इंडक्टर लगाया तो इंडक्टर में आई नॉट क्या होगा, वी नॉट बाई एक्सएल, और कैपेसिटर जब लगाया वी नॉट बाई एक्स सी, ध्यान से दोनों में आई नॉट में फ़र्क है, पहले वी नॉट बाई एक्स एल है, दूसरे में वी नॉट बाई एक्स सी है, फिर जब इंडक्टर लगाया तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, कैपेसिटर लगाया तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है, क्योंकि कैपेसिटर में करंट आगे होता है, इंडक्टर में करंट पीछे होता है, आंसर। अगर यहाँ तक कन्फ्यूजन है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया, और आपको हो सकता है कोई टीचर आई आर एम एस ही पूछ रहा हो, कोई बात नहीं, आई नॉट आ गया आई नॉट बाई रूट टू कर देना, आई आर एम एस आई नॉट आ गया आई नॉट बाई रूट टू कर देना, आंसर। समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इन टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, एक्स एल और एक्स सी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। अभी आर का कोई रोल नहीं है, पूरे असाइनमेंट में दो ही चीज़ें हैं, या तो एक्स एल या एक्स सी। अगर क्वेश्चन में आ जाए फाइंड रिएक्टेंस, अब बोल लेना कौन सी, फिर क्या करें, फाइंड रिएक्टेंस, बस रिएक्टेंस, आर तो रिएक्टेंस का पार्ट ही नहीं, रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस तो दो ही होती हैं, कौन सी, एक्स एल और एक्स सी, तो यहां से एल ओमेगा आएगा, यहां से 1/c ओमेगा, ठीक। आगे क्या करना है सुन लें, उसके बाद एक्स एल और एक्स सी का डिफरेंस में निकाल देना, बड़े में से छोटा माइनस कर देना, नेट रिएक्टेंस, क्योंकि जब आप इम्पिडेंस निकालते थे एल सी आर में, अगर आपको याद हो, ऐसे होती है ना इम्पिडेंस, आर तो है ही नहीं, आर तो है ही नहीं, तो नेट वैल्यू क्या आएगी, एक्स एल माइनस एक्स सी या एक्स सी माइनस एक्स, इसलिए बोल रहा हूँ माइनस भी कर देना एक बार, ऐसे आएंगे क्वेश्चन आने वाले टाइम में, वैसे बता रहा हूँ, रिएक्टेंस में एक्स एल एक्स सी, फिर डिफरेंस करके नेट रिएक्टेंस भी निकाली जा सकती है।